आज दाज हम ताजपुर में ही हैं आमता पड़ता ही है मेरे घर से हार्डली फाइव किलोमीटर काफ़ी प्यारा प्यारा स्पॉट है मिस्त्री काफ़ी लोकेशन घूमने के बाद हमें ये स्पॉट देखने को मिला काफ़ी प्यारा है काफ़ी ब्यूटीफुल है काफी अच्छा है यहाँ का। शारदा दादा। जल्दी जल्दी आ रहा है देखो मोटरहेल के। तादा तादा। बिटबिना चलो नाम की? तीसा तीसा। तीसा। वाव। Beautiful। तीसा। तुम्हार किया चार्जिंग स्कूलें प्रोग्राम आचे? पहले कुछ थंबनेल बनाया, फिर हाफ इंप्रिल में ये ड्राइंग किया। और कुछ कलर को इस तरफ स्टेप बाय स्टेप कलर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मल्टी कलर इसके अंदर है कहीं पे ब्लू कहीं पे ऑरेंज कहीं पे ग्रीन है ना ट्रकोइस तो जैसे कि आसमान से देखा जाए तो आल्टा था उसके साथ कुछ ऑलिव ग्रीन फिर इस घर के लिए हमने योलो ऑकर जो योलो पार्ट है योलो ऑकर बन टम्बर थोड़ा ऐड किया फिर छत उसके रूप के लिए हमने और रेड ब्राउन नीचे के रूप के लिए अल्टामिन बन टम्बर एलिजरिन और यहाँ पे अब कलर जो है टर्कोइ टर्कोज के साथ थोड़ा सा ऑरेंज जो उसके अंदर जो विंडोज़ वगैरह है कुछ पेड़ पौधा कुछ पेड़ पौधा के लिए हमने जो ऑलि ग्रीन सैप ग्रीन टाइम टू टाइम हम कलर चेंज कर रहे हैं और इस समय जो पूरा कलर है एक दूसरे के साथ मिक्स होते हुए एक बैलेंस रहेगा नहीं तो कोई भी कलर ऊपर नीचे नहीं होगा उसके जो इंटेंसिटी ज़्यादा कम नहीं होगा हर एरिया में जो कलर है उस कलर्स को एक बैलेंस में लेके आके यहाँ पे सब मर्ज कर देना है और उस समय हमने नोटिस किया कि जहाँ पे हाईलाइट है उस हाईलाइट एरिया को हमने कलर उसी सबसे से डाला था जैसे कि हमें ड्राई होने के बाद हमें ठीक से कटिंग करेंगे मतलब क्रॉप करेंगे तो हमें ठीक ठाक मिल जाएगा जैसे कि घर का छा घर के नीचे का जो मिट्टी वाला जो लाइट है टर्कोइ वाला बिल्डिंग में जो लाइट है मतलब बच्चा बच्चा जो लाइट है वो कितना लाइट रखना है फास्ट वास्ट में आपको मिक्स करते हुए कलर लगाना है यहाँ पे सब बहुत सारे कलर्स जो ऐड होना है वो बन टम्बर अल्टमरिन थोड़ा बहुत पेंस ग्रे ये सब कलर के जरिए आप सेम कलर के साथ मिक्स करके आपको डार्क करना है यहाँ पे छत के ऊपर थोड़ा सा देखा कि उतना डार्क नहीं है तो हमने थोड़ा और आ, आ, उतना लाइट नहीं है तो इसलिए हमने थोड़ा सा और डार्क कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ओपन हो गया तो यहाँ पे उसके बीच में से एक लाइट आया तो मैं यहाँ पे कलर लिफ्टिंग के ज़रिए थोड़ा सा कलर निकाल रहा हूँ जैसे कि कंटिन्यू ब्लॉक हो रहा था एरिया ये भी थोड़ा सा ओपन हो जाएगा थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा तो कुछ पेड़ पौधा कैसे फर्स्ट हाउस में क्या कलर छोड़ना है फिर सेकेंड हाउस में सेब ग्रीन देन सेब ग्रीन के साथ ऑलिव ग्रीन ऑलिव ग्रीन आल्टन बन टम्बर ये सब नीचे वाले पार्ट में जैसे शेडो पड़ता है नीचे की तरफ तो ऐसे करके आपको लगाना है साइड का जो बिल्डिंग्स है वो एक आ, आ, सामने वाले सब्जेक्ट को एक फ्रेम देता है इसलिए उसे भी काम करना है लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि नज़र उधर ही जाए उसको इस तरह से काम करना है कि आ, काम भी है और थोड़ा मतलब सपोर्ट करे बैकग्राउंड से मतलब बहुत डिटेल्स वर्क नहीं है थोड़ा थोड़ा डिटेल्स और उसके जो कलर्स बहुत ब्राइटेंट नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ा सा म्यूट रहे तो भी ठीक है यहाँ पे इस बिल्डिंग का टर्कोइस जो घर का शेडो जा रहा है उस दीवार पे वहाँ पे ये कंटिन्यू दीवार एक जाता हुआ कुछ खिड़की में जो कलर हम नोटिस कर पा रहे हैं वो कलर फिर यहाँ पे वो जो रूप के नीचे थोड़ा सा डार्क दिखा थोड़ा सा और बन टम्बर थोड़ा सा अल्टाम के साथ ये कलर लगा के फिर मर्ज कर दिया गया नीचे थोड़ा सा ब्रश से गिला करके और ये कलर छोड़ रहा हूँ जिससे कि सॉफ्ट हो और नीचे अलग बीच में अलग नहीं होना चाहिए जिससे कि ये देखो ये कनेक्शन जोड़ दिया ग्रीन जो ग्रास है नीचे के उसके साथ कुछ ड्रॉपिंग ड्रामा कर देना यहाँ पे जिससे कि ये आ, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेट या बहुत आ, हर एक चीज़ यूनिक ना हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देते कनेक्शन जोड़ते थोड़ा सा इंप्रेशन क्रिएट करना है वाटर कलर में तो जिस तरह से ब्रशेस को हम पेड़ में भी ऊपर यूज़ किया रैंडम टाइप ऐसा स्टोक्स कुछ ड्रॉपिंग कुछ वाटर ड्रॉपिंग इसके जरिए क्या होगा नेचुरल इफेक्ट आ जाएगा बहुत कुछ होने का असर करेगा तो आ, इसी तरह से अभी यहाँ पे जो है बिल्डिंग से लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसे डार्क करने से उसका जो एक थ्री इफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ बैम्बूज वगैरह दिखाई दे रहा है लेकिन पहले कलर लगाया था क्योंकि उतना लाइट नहीं था तो इसलिए तो एक लाइट डार्क किया फिर और एक डार्क उसके अंदर ही कर रहे हैं मतलब लाइट टू डार्क के बीच में बहुत सारे स्टेज है वो सब आपको देखने को मिला तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो काम आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फिगर्स को एक बहुत ही डिटेल्स में थोड़ा किया गया और किस तरह से आपको कंपोज करना काम को ये सब आपको दिखाई दे रहा है तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए टाटा बाय